ये साइडी दी है, पंक्ति है, ये स्तंभ है। संक्रिया भी से पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 से AR1 है, AR2 AR3 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 3y प्लस k हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 3y प्लस k हो जाएगा, फिर वही इसमें भी करेंगे तो 3y प्लस k हो जाएगा, फिर जो दिया है उसको ऐसे उतार देंगे y y plus k y, फिर उसको भी वैसे उतार देंगे, R3 को भी वैसे उतार देंगे, फिर इसमें इस आईडी में 3y प्लस k को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर एक बचेगा, इसमें भी कॉमन होगा एक बचेगा, इसमें भी कॉमन होगा एक बचेगा, और जो नीचे वाला दिया R2 और R3 उसको ही वैसे उतार देंगे, फिर यहाँ पर साइडी में ये पंक्ति होता है, स्तंभ होता है, तो अब स्तंभ वाला नियम लगाएंगे संक्रिया विधि से, तो C1 माइनस C2 करेंगे, दूसरे में C2 माइनस C3 करेंगे, फिर यहाँ पर 3y प्लस k करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे, तो C1 माइनस C2 घटाएंगे 0 आएगा, फिर यहाँ पर y प्लस के घटाएंगे तो माइनस के बचेगा, इसमें से y में से y घटाएंगे तो 0 बचेगा, उसी तरह इसमें भी C2 माइनस C3 में भी करेंगे, C2 a है, C3 a है, 1 माइनस 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, y प्लस के में y घटाएंगे तो k आ जाएगा, और y प्लस के घटाएंगे तो माइनस के आ जाएगा, फिर जो C3 दिया उसको ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, फिर अब इस साइड को विस्तार कर देंगे, तो बराबर 3y प्लस k वैसे उतार देंगे, इसको अब विस्तार करेंगे, इसको इसमें पूरा करके और इसमें पूरा करके इसको पूरा होगा तो माइनस हो जाता है, प्लस होता है, प्लस होगा और k की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका जब इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर जब 0 गुणा होता तो गुणा होता है 0 हो जाता है, ऐसे कर देंगे, अब डेल्टा बराबर अब जो दिया है 3y प्लस k उसको ऐसे उतार देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से उतार देंगे, फिर इससे गुणा कर देंगे, k स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस k, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हां, तो बाबा जगह भी कई दिन देख रहे था वो आगे जो निकल